हमें किसी भी हाल में नेहा शास्त्री को ढूंढना ही होगा। हो सकता है उसी ने अपने पति का कत्ल किया हो, और अगर कत्ल ना भी किया हो तो हो सकता है वो कातिल के बारे में कुछ जानती हो। लेकिन अगर नेहा शास्त्री ने कत्ल नहीं किया है तो फिर वो खून के बारे में भी कुछ नहीं जानती होगी। हो सकता है, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए, कोई भी कसर नहीं छोड़नी चाहिए। मुझे मुंबई जाना ही होगा, मैं 3-4 दिन में कोर्ट हियरिंग से पहले वापस आ जाऊंगा। थैंक यू राघव जी। थैंक यू तब बोलिएगा जब मैं आपको यहाँ से रिहा करवा लूँ। फिलहाल तो मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ, भगवान करे इस बार मेरी कोशिश कामयाब हो। आप अपना ख्याल रखिएगा। अरे फादर, आप ये क्या कर रहे हैं? आपको डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए कहा है ना? हाँ हाँ, चलिए चलिए आराम कीजिए। नो नो, इट्स ओके, इट्स ओके। यू टेल मी फादर, आपको केस के बारे में तो पता ही है ना? हाँ, आज वक्त और किस्मत दोनों उसके साथ नहीं है। उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, वो मेरी वजह से है। फादर, आज मैं आपसे वो बात पूछने आया हूँ जो सिर्फ आप ही जानते हैं। वो जो असली नेहा शास्त्री है, उसके बारे में कुछ पता है आपको? कोई एड्रेस या कुछ भी, एनी अदर इन्फॉर्मेशन? क्योंकि बिना किसी सुराग के उसका पता लगाना बिल्कुल ही मुश्किल है। हाँ, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि उसकी एक फाइल थी मेरे पास जिसमें उसकी सारी डिटेल्स थी, लेकिन पता नहीं वो फाइल कहाँ चली गई है। वेट अ मिनट, एक उसका एक लेटर है मेरे पास। ये उसका लेटर है, उसमें लिखा है कि वो स्कूल ज्वाइन नहीं कर पाएगी, और वजह ये बताई है कि उसकी 5 साल की बच्ची जो बहुत बीमार रहती है, उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं क्योंकि उसके पति की मौत हो चुकी है। पढ़ो इसे। फादर, मुझे जल्दी से जल्दी जाना होगा और नेहा शास्त्री का पता लगाना होगा। ये लड़की जो इस केस में फंस गई है, और वो वकील शरीफ और अच्छे लोग लगते हैं। मैं जानती हूं कि मेरी गवाही इन्हें बचा सकती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे तुम्हारे पास रहना होगा मेरी बच्ची, वरना तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम्हें बेसहारा नहीं कर सकती। तुम्हें जो फोन करना था उसकी परमिशन मिल गई है। हेलो, जैसी बेटा, अरे कहाँ है तू? अरे तू तो घर आने वाली थी ना बेटा, हमने तेरे लिए कितनी सारी तैयारियां की थी, सबको तेरा बहुत इंतजार था बेटा, और हमने तो तेरे स्कूल में भी फोन किया था, तो वहां किसी ने बताया कि तू कुछ बच्चों को लेके ट्रिप पे गई हुई है। अब कहाँ है तू? क्या बात है बेटा, तू ठीक तो है ना? मैं
शादी को मामा। मैं नैनीताल वापस आ गई हूँ मामा। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ। बच्चे मुझसे बहुत प्यार करते हैं मामा। यहाँ किसी भी चीज की कमी नहीं है। लेकिन मैं घर जल्दी आना चाहती हूँ मामा। आप मेरी फिक्र मत करना। लेकिन तेरी आवाज तो कुछ और कह रही है बेटा। जरूर कुछ है जो तू हमसे छुपा रही है। बताना क्या बात है। देख बेटा, मैं तेरी माँ हूँ। माँ से झूठ मत बोलना। नहीं नहीं कुछ नहीं मामा। यहाँ लाइन क्लियर नहीं है। वो मेरी आवाज को कुछ नहीं हुआ है मामा। बेबी और पापा जी कैसे हैं? ये ले बेबी से बात कर। मामा यहाँ पे आवाज नहीं आ रही है माँ। मैं बाद में फोन करती हूँ। हेलो जैसी बेटा। हेलो उसने जो लाइन नहीं काटी। उसने लाइन नहीं काटी बेबे। उसने मेरी बात काट दी। जरूर कोई बात है जो वो हमसे छुपा रही है। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रही। हम एक काम करते हैं, बिल्लू से कहते हैं कि वो खुद नैनीताल जाकर उसे यहाँ ले आए। चल। सुनिए, ये लोग जो घर में रहते हैं, जानती हैं आप कहाँ हैं वो? मैं निकी का मामा हूँ। उससे मिलने के लिए आया हूँ। वैसे तबीयत कैसी है उसकी? अपने पति अनु शास्त्री की मौत के बाद से ही नेहा शास्त्री लापता है। पता नहीं कहाँ चले गए हैं। उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी निकला है। हमें तो सिर्फ इतना ही पता है कि उनकी बेटी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती है। बेचारी को कैंसर है ना, उसका वहाँ इलाज चल रहा है। थैंक यू। काफी अंधेरा है, लगता है कोई घर पे है नहीं। सरप्राइज। वेलकम बैक अरमान। थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस। थैंक्स। थैंक यू सो मच। या थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। या अरमान बेटी, बहुत 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 मुबारक हो। थैंक्स। एंड आई होप कि सिंगापुर का यह नया कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे करियर को एक नई बुलंदी तक ले जाए। लेकिन बेटे, करियर के साथ साथ अपने मैरिज पे भी थोड़ा ध्यान दो ना। डोंट यू थिंक कि तुम्हारी मैरिड लाइफ को एक नया डायरेक्शन चाहिए, एक नई बुलंदी चाहिए। मलिका को देखो। तुम्हारे लिए सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज की है। तुम्हारी खुशी के लिए वो कितना बदल गई है। अब तुम्हारी बारी है अरमान। डोंट यू थिंक तुम्हें भी उसके लिए थोड़ा बदलना चाहिए? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मैम। मैंने आज तक मलिका के साथ बहुत गलत बर्ताव किया है और अब वक्त आ गया है कि मुझे अपनी सारी गलतियां सुधारनी चाहिए। और शुरुआत भी मुझे करनी पड़ेगी, है ना? छुट्टी से कुंती, कम एंजॉय योर पार्टी। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि निक्की शास्त्री कौन से वार्ड में है? पहले आप इस विजिटिंग रजिस्टर पर साइन कर दीजिए। वार्ड नंबर 304। थैंक यू। मेरा नाम राघव है। आपका नाम क्या है? निक्की। आप चॉकलेट खाती? निक्की नहीं खाती, तो मैं ले जाऊं इसे? ये लीजिए आपके लिए। थैंक यू। और आपकी मामा का नाम क्या है? नेहा। कहाँ है वो?
कि आप मुझे ढूंढ रहे हैं। मैं हूं नेहा शास्त्री। मैं उसे बचा सकती हूँ। मैं इस बात की गवाह हूँ कि जसमीत वालिया ने मेरे पति का कत्ल नहीं किया। तो आप हमारी मदद करेंगी? नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि कत्ल तो मैंने भी नहीं किया था, लेकिन इल्जाम मेरे सर पे लग गया। जबकि कत्ल के वक्त मैं अपनी बेटी के साथ हॉस्पिटल में थी, और अभी तक तो असली खूनी भी नहीं पकड़ा गया। अगर मैंने गवाही दे दी तो सारा इल्जाम मेरे सर पे आ जाएगा, फिर मेरी बेटी को कौन संभालेगा? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब कत्ल हुआ था तो हम बड़ी आसानी से ये प्रूफ कर सकते हैं कि आप वहां नहीं थी। आप यहाँ अपनी बेटी के पास हॉस्पिटल में थी। आपका नाम यहाँ हॉस्पिटल के रजिस्टर में होगा। अगर आप चाहें तो खुद मैं आपका केस लड़ूंगा। देखिए, मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता, लेकिन आपकी एक गवाही एक बेगुनाह की जान बचा सकती है। मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, लेकिन मेरी बेटी को कैंसर है और उसे मेरी जरूरत है, और अभी तो मेरे पति भी नहीं है जो उसकी देखभाल कर सके। मैं इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकती। I'm sorry. कत्ल नहीं किया है, मगर ये भी साबित कर सकती है कि आप निर्दोष हैं। तो फिर वो यहाँ? कुछ कह नहीं सकते। उसे इस बात का डर है कि अगर वो अदालत में आएगी तो पुलिस उसे अपने पति के कत्ल के लिए गिरफ्तार कर लेगी। उसकी 5 साल की बच्ची है, जिसकी वजह से वो रिस्क नहीं लेना चाहती। मैं समझ सकती हूँ राघव जी, लेकिन आपको क्या लगता है वो आएगी? पता नहीं, मैं उम्मीद तो यही कर रहा हूँ कि वो आएगी, लेकिन उसने तो मना ही कर दिया है। और उसकी बच्ची को देखकर मैं भी उसे फोर्स नहीं कर पाया। आपने बिल्कुल ठीक किया राघव जी, क्योंकि अगर वो यहाँ ना आना चाहे तो मैं उसकी मजबूरी समझती हूँ। किसी गैर की जिंदगी बचाने के लिए अपनी बेटी की जिंदगी से समझौता, इंसानियत कभी कभी बहुत मजबूर हो जाती है। केस नंबर 47, जसमीत वालिया हाजिर हो।
अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। पिछली सुनवाई में सारे सबूत और सारे गवाह पेश किए जा चुके हैं जो ये साबित करते हैं कि नेहा शास्त्री उर्फ जसमीत वालिया ने अपने किरदार और अपने चरित्र के कारोबार को अपने होने वाले पति से छिपाने के लिए इन्होंने अनु शास्त्री का कत्ल कर दिया। मेरी अदालत से गुजारिश है कि इनके गुनाहों को देखते हुए इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि ये पूरे समाज के लिए एक सबक हो। That's all, my lord. मिस्टर राघव, आपको डिफेंस की तरफ से कुछ कहना है? योर ऑनर, किसी भी औरत के दामन पे कीचड़ उछालना बहुत आसान है, उसके चरित्र पे लांछन लगाना बहुत आसान है, लेकिन उसके असली चेहरे को शीशा सिर्फ वो लोग दिखा सकते हैं जिन्होंने उसको परखा हो, उसके साथ कुछ वक्त बिताया हो, जो उसे अच्छी तरह से जानते हो। जितने भी गवाह कोर्ट में आए वो जसमीत वालिया को इतनी अच्छी तरह से नहीं जानते जितना कि सेंट लॉरेंस के बच्चे और वहां के टीचर्स, जो उसका आदर करते हैं, उसका सम्मान करते हैं और उसे बे इंतहा प्यार करते हैं। राघव, अदालत भावनाओं और जज्बातों से नहीं चलती है। मिलॉर्ड, जैसा कि हम सभी जानते हैं, अदालत चलती है सबूतों से और गवाहों से। योनर, मेरे पास सबूत भी हैं और गवाह भी, जो बड़ी आसानी से ये प्रूव कर सकते हैं कि जसमीत वालिया ने कत्ल नहीं किया है। उनकी कुछ मजबूरी है जिनकी वजह से वो अदालत में नहीं आ सकते। मिलॉर्ड, जरा गौर कीजिए, जब गवाह ही नहीं तो फिर गवाह कैसा? मिस्टर राघव, आप क्यों अदालत का कीमती वक्त जाया कर रहे हैं? अगर आपके पास कोई सबूत या गवाह है तो फिर अदालत में पेश करिए ना। मिलॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त बेवजह इस अदालत का कीमती वक्त जाया कर रहे हैं क्योंकि इनके पास कोई सबूत और गवाह है ही नहीं। इसलिए मेरी अदालत से गुजारिश है कि जल्द से जल्द इस केस का फैसला सुनाया जाए। सारे सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत कुछ कहना चाहती हूँ। आपको जो भी कहना है विटनेस बॉक्स में आकर कहिए। आपका नाम और आपका इस केस से क्या संबंध है? जज साहब, मैं हूं नेहा शास्त्री।